हेलो गाइस, गेमिंग एम्पायर के एक और न्यू वीडियो के अंदर तुम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग एक और न्यू यहाँ पे इम्पॉसिबल स्ट्रैटेजी ट्राई करने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है सच्ची में ये वाला इम्पॉसिबल स्ट्रैटेजी है। तो मुझे नहीं पता क्या मैं इसके साथ कर पाऊँगा भी या नहीं, तो पूरा वीडियो देख लेना, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड आखिर में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये अच्छे बिना टाइम का वीडियो की शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, सबसे पहले अगर तुम में से कोई भी अजमेर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा दो, जिससे कि तुम लोग को क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन एंड अच्छे अच्छे कंटेंट मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चैलेंज है ये मुझे दिया था अपने यहाँ पे हर्ष भाई ने अपने इंस्टाग्राम पे। तो जैसे कि मैंने बोला है कि जो जो भी मुझे इम्पॉसिबल चैलेंजेस देना चाहते हो वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम पे मतलब मैसेज पे इनबॉक्स पे ये बोल सकते कि तुम लोगों का चैलेंज क्या है। तो अगर तुम लोगों के पास भी कोई चैलेंज है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, इनबॉक्स पे अपने चैलेंज दे सकते हो। तो इन भाई ने भी मुझे दिया था एंड इनका चैलेंज ये था कि मुझे किसी भी एक टाउन हॉल पे सारे हीलर्स के साथ अटैक करना है। SPL में कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाउन हॉल 9 से अटैक करने वाला एंड वॉर अटैक करने वाला हूँ। यार यहाँ पे हम लोग को वॉर चल रहा है तो मैं वॉर अटैक करने वाला हूँ इस वाले टारगेट के ऊपर। तो ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 15 हीलर्स है। तो यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो मेरे पास विजर्ड्स क्यों है। तो अगर मैं तुम लोग यहाँ पे आर्मी का कॉम्बिनेशन दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो 15 हीलर्स के बाद यहाँ पे 10 का स्पेस रहता है जिसमें हम लोग हीलर नहीं ले सकते। तो उसी की जगह पे मैंने यहाँ पे 2 विजर्ड एंड साथ में यहाँ पे 2 आर्चर ले लिया एंड स्पेल कॉम्बिनेशन में मैंने यहाँ पे 3 रेड स्पेल साथ में 1 जंप स्पेल एंड यहाँ पे 1 पॉइजन स्पेल लिया ओपोनेंट के सीसी के लिए। एंड मेरे सीसी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन है मैक्स लेवल का, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आएगा, देखते क्या होता है। एंड 1 फ्री स्पेल है लेवल 5 का, मैक्स फ्री स्पेल नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे हीरोज़ भी ऑलमोस्ट नहीं, हीरोज़ मैक्स ही है यार यहाँ पे। तो अभी हम लोग डायरेक्टली बेस को देख लेते हैं एंड थोड़ा सा प्लान क्रिएट करेंगे। मुझे नहीं पता, आई थिंक प्लान यहाँ पे काम नहीं आएगा, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। सो ये रहा ओपोनेंट का सीसी एंड वॉर बहुत तगड़ा चल रहा है। अगर तुम लोग इस वाले क्लैन को देखोगे, मतलब ये अपना ही क्लैन है, सेकंड क्लैन शायद तुम लोगों को पता है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे अपने क्लैन को देखोगे अगर तुम लोग क्लैन को देखोगे तो वर्विन स्टिक देखो यहाँ पे 2 का है, बट यहाँ पे वर्विन यहाँ पे हम लोगों ने क्लैन वॉर लिखा एंड दोनों टाइम ही हम लोग सेकंड आए। लास्ट जो मार्च का सीजन था इसमें मतलब इस सीजन में आई थिंक हम लोग फर्स्ट आ सकते थे, बट एक वॉर में हम लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बट हम लोग अगर क्लासिक वर्ड देखें तो देखो यहाँ पे, देखो यार हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का वर्विन स्टिक होता, बट एक वर्ड यहाँ पे 100% दोनों तरफ से हो गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैं ड्रॉ हो चुका था तो इसीलिए हम लोग का जो वर्विन स्टिक है वो टूट गया था, इसीलिए अभी फिलहाल 2 का वर्विन स्टिक है और हम लोग इसको फिर से यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे वर्विन स्टिक बहुत अच्छा है, यहाँ पे नीचे से अगर देखा 100% 97% 100% 100% 100% उसके बाद भी 100% है। लास्ट जो वॉर खेले थे उसमें 99.40%। सो इस वॉर में भी हम लोग 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया मिसमैच हुआ है, क्योंकि ओपोनेंट का जो नंबर 1 वाला प्लेयर है इसको अगर तुम लोग देखोगे तो ये देख सकते हो टाउन हॉल 11 का प्लेयर है एंड ऑलमोस्ट मैक्स आउट प्लेयर है। यहाँ पे वर्ल्ड्स वगैरह कुछ बाकी आई थिंक एंड हीरोज़ का शायद कुछ लेवल एंड डिफेंसेस 1-2, बाकी पूरा मैक्स आउट प्लेयर है। सो इस वॉर में भी हम लोग 100% नहीं कर पाएंगे आई थिंक। एक बंदे ने यहाँ पे कर दिया 56%, तो सही है, दो स्टार निकला है एंड ओपोनेंट ने भी सही कर रहा है, ऑलमोस्ट सही कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हम लोग तो यार जीतना है किसी भी तरह से। तो हम लोग इस बेस को देख लेते हैं। तो हम लोग का प्लान क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग को जो क्वीन है क्वीन को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इस तरफ पे क्वीन को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक विजर्ड आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ एक विजर्ड, इस तरफ एक और शायद विजर्ड आ जाएगा, उसके साथ यहाँ पे थोड़ा या फिर किंग के साथ इस तरफ पे हम लोग फनल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक इस तरफ पे हम लोग आएगा जंप स्पेल, जंप स्पेल के साथ हम लोग को क्वीन को अंदर लेके जाना, ओपोनेंट का सीसी मारना है, ओपोनेंट का क्वीन मारना है एंड उसके बाद जितना हो सकता है हम लोग को उसी के साथ करना होगा। एंड जो हम लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन है, इलेक्ट्रो ड्रैगन को हम लोग एक साइड से डिप्लॉय करेंगे एंड उसी के साथ हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको निकालेंगे। तो देखते क्या होता है, मुझे नहीं पता इस बार अटैक में 3-स्टार हो पाएगा भी या नहीं, मुझे नहीं लगता 3-स्टार हो पाएगा, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे। सो चलते हैं अटैक के लिए, मुझे नहीं पता क्या होगा। सारे टूप मैक्स है यहाँ पे, सारे हीरोस मैक्स है, सारे स्पेल्स मैक्स है एंड देखते हैं। सो 1 2 3 लेट्स गो। ओके गाइस, देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग का क्वीन आ जाएगा यहाँ पे, हम लोगों के पास कोई भी बलून नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। ओके ओके स्टार्ट हो चुका है, इस तरफ पे हम लोग का किंग आ जाएगा, उसके पीछे से यहाँ पे एक विजर्ड, यहाँ पे एक और विजर्ड। ओके अरे भाई साहब, हम लोग का क्वीन अभी
मरने ही वाला था, बट यस हम लोगों ने इसको बचा लिया। तो क्वीन अंदर चला जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम। अरे नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़, अरे नहीं यार क्वीन बाहर आ रहा है, ये नहीं करना यार, अंदर चला जा। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्वीन अंदर चला जा रहा है। एंड ओपोनेंट का सीसी में भी इलेक्ट्रो ड्रैगन है, एंड आई थिंक मैक्स आउट इलेक्ट्रो ड्रैगन, क्योंकि ओपोनेंट का जो क्लैन था वो हाई लेवल का था। क्वीन को मरना नहीं यार, प्लीज़ क्वीन। ओ भाई साहब यहाँ पे एक रेस स्पेल की ज़रूरत होगा। ओके सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे जंप स्पेल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के पास जंप स्पेल नहीं है, तो एक ही जंप स्पेल के साथ यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक 27% हम लोग का निकल चुका है, एंड देखते हैं अभी इसके बाद क्या होता है। ओके ओपोनेंट का किंग आ चुका है, एंड हम लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन भी हम लोग कुछ देर के बाद डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे दो आर्चर्स, आई थिंक आर्चर एक ही देना चाहिए था, बट स्टिल हम लोगों ने दो आर्चर यूज़ कर लिया। ओके अपना किंग का अभी भी एबिलिटी बचा हुआ है, तो सही है, बिल्कुल सही चल रहा है अपना अटैक। ओके भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन ने स्टार्ट कर दिया अपना यहाँ पे जलवा स्टार्ट कर दिया ओपोनेंट के, सॉरी यस ओपोनेंट के यहाँ पे जो एयर डिफेंस है उसने, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक रेड स्पेल अरे नहीं इसको एंड तक बचा के रखना है हम लोग को, यही मेन जो डिस्ट्रैक्शन है वो निकालेगा यहाँ पे एक रेड स्पेल। ओके बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है ये जल्द ही मर जाएगा, एक और हिट नहीं होगा। ओके सो इलेक्ट्रो ड्रैगन से बहुत से यहाँ पे हिस्सा हम लोगों ने निकाल लिया, तो देखते अभी पता नहीं यार क्या होगा। फिलहाल तो सही चला है अटैक, बट इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अभी भी हम लोग के पास एक रेड स्पेल बचा हुआ है, एंड टाइम बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है हम लोग का टाइम। एंड जो चैलेंज था इसमें यार हम लोग को कोई भी यहाँ पे बताया नहीं गया था कि 3 स्टार लेना है या नहीं, स्टिल हम लोग ट्राई करें 3 स्टार के लिए, बट आई थिंक नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो मर चुका है। एंड आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा गलती कर दिया, अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन ओके वेट चाहिए, अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन हम लोग इधर से देते इस एलिक्सर कलेक्टर के यहाँ से, तो आई थिंक ये हो सकता था 3 स्टार, बट आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दी। हम लोग का हीलर्स अभी भी बचा हुआ है, बट टाइम बहुत कम है यार, टाइम के लिए हम लोगों का ये बेस आई थिंक 3 स्टार नहीं हो पाएगा। ओके टाउनल निकल जाए, ओके सही है 70% 80% क्या हो पाएगा, 80% आई थिंक नहीं हो पाएगा, 75% देखते। ओके गाइस सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। 69% गाइस 69% हो चुका है, एंड 70% एंड ओके नहीं 75% नहीं होगा, 71, 72, 73 नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार यहाँ पे। एंड 2 स्टार हो चुका है हम लोगों का, एंड आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया यार अटैक पे, वेट देखता हूँ मैं, बैक हो जाते इसके बाद हम लोग इसको स्काउट करते हैं। ओके वेट अ सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रो ड्रैगन वो अगर इधर से देते तो आई थिंक, मतलब अगर थोड़ा वेट करते तो इलेक्ट्रो ड्रैगन ये पूरा हिस्सा यहाँ पे क्लियर कर लेता, एंड अपना क्वीन इन दोनों के यहाँ पे आई थिंक निकल देता, उसके बाद आई थिंक ये हो सकता था 3 स्टार, बट कोई नहीं, यहाँ पे 73% आ चुका है, एंड हम लोग को वॉर को जीतना भी है, एंड हम लोग के पास अभी अटैक है, कितने बेस बचे हुए, 1 2 वो 2 ही बेस बचे हुए हैं, एंड हम लोग के पास अभी बहुत सारे अटैक है। देखो यहाँ पे 2 3 4 5 अटैक, एंड यहाँ पे 6 अटैक अभी बचा हुआ है अपने टाउन लाइन से लेके, अगर गिना जाए तो बहुत सारे अटैक्स बचे हैं, तो हम लोग इस वाले वॉर को भी ईजिली जीत पाएंगे अगर ओपोनेंट ने ठीक से अटैक नहीं किया, जीत पाएंगे यार। ओके मैंने यहाँ पे कौन सा आर्मी यूज़ कर लिया। ओके गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक करो, एंड कोई भी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम लोग का 20,000 सब्सक्राइबर्स कब होगा यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो। एंड अगर तुम लोग के पास भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग इम्पॉसिबल चैलेंजेस है मेरे लिए, तो तुम लोग मुझे इसको भेज सकते हो कॉमेंट वाले सेक्शन में, नहीं गाइस कॉमेंट वाले सेक्शन में मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, एंड हर एक इम्पॉसिबल स्ट्रेटजी के वीडियो पर मैं यही बताता हूँ कि कमेंट वाले सेक्शन में चैलेंज नहीं, तुम लोग यहाँ पे मुझे चैलेंज करो मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है @gamingempire35, तो तुम लोग वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करो, एंड वहाँ पे मुझे मैसेज पे बोलो तुम लोग का इम्पॉसिबल स्ट्रेटजी, एंड ऐसा कुछ स्ट्रेटजी जो हो सकता है यहाँ पे, मतलब इम्पॉसिबल बिल्कुल इम्पॉसिबल ना, जो कि आप पॉसिबल हो सकता है थोड़ा बहुत, ऐसी स्ट्रेटजी दो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, एंड या लाइक कर दो वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग का नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लन मेरा लन मेरा लंदन जाना छूट गया, तेरी गा तेरी गा तेरी गाय ने इतना दूध दिया मेरा लो मेरा लो।